हाय गाइस, मैं हूं आदिप रजा और आज मैं आपको एक्सेल में डेटा वैलिडेशन पढ़ाने वाला हूं। डेटा वैलिडेशन एक बहुत ही यूजफुल फीचर है जिसकी हेल्प से हम किसी भी शीट में डेटा को एंटर करते वक्त टाइपिंग मिस्टेक जैसी गलतियों से खुद को बचा सकते हैं। डेटा वैलिडेशन समझने के लिए मैं आ गया हूं एक्सेल के अंदर और यहां मैंने पहले से एक प्रेजेंटेशन बनाकर रखी हुई है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस। अब देखिए, मोबाइल नंबर कॉलम एम्प्टी है और मुझे किसी क्लाइंट का जो नेम यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है उसमें से किसी क्लाइंट का मोबाइल नंबर पुट करना है, तो मैं यहाँ पर रवि कुमार नाम के स्टूडेंट का मोबाइल नंबर पुट कर रहा हूँ और इंटर करता हूँ। यहाँ पर मुझे एरर का मैसेज आ रहा है। ये क्यों? क्योंकि मैंने इस सेल में, इस कॉलम में पहले से ही डेटा वैलिडेशन की एक कंडीशन लगा कर रखी हुई है कि मोबाइल नंबर मेरे को 10 डिजिट का चाहिए, ना उससे एक डिजिट कम ना फिर उससे एक डिजिट ज़्यादा। इसलिए ये मुझे एरर का मैसेज दिखा रहा है कि प्लीज़ इंटर इक्वल टू 10 डिजिट। तो चलिए अब हम सीखते हैं किसी भी कॉलम में डेटा वैलिडेशन कैसे लगाते हैं। सबसे पहले तो आप उस कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपको डेटा वैलिडेशन लगानी है। मुझे मोबाइल नंबर कॉलम में डेटा वैलिडेशन लगानी है, मैंने इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ डेटा टैब में एक ऑप्शन आता है डेटा टूल्स में, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें तीन ऑप्शंस होंगे, सेटिंग, इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट। सेटिंग पे मुझे क्लिक करना है और अलाउ में जाकर मुझे यहाँ से टेक्स्ट लेंथ सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट लेंथ सिलेक्ट करने के बाद ये मुझसे कंडीशन पूछेगा कि आपकी टेक्स्ट लेंथ की क्या कंडीशन है, तो मुझे डेटा में जाकर कंडीशन सेलेक्ट करना है इक्वल टू। सिलेक्ट करने के बाद लेंथ में मुझे जितना डिजिट का मोबाइल नंबर चाहिए वो पुट करना है। मुझे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर चाहिए, मैं यहाँ पर 10 पुट करके ओके कर देता हूँ। अब इस कॉलम में ऑलरेडी डेटा वैलिडेशन लग चुकी है और कंडीशन ये है कि मुझे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर चाहिए। अब मैं इसमें जब भी या तो 9 डिजिट का या फिर 11 डिजिट का मोबाइल नंबर पुट करूंगा तो ये मुझे एरर का मैसेज शो करेगा। तो आइए देखते हैं, मैं फिर से रवि कुमार के सेल में मोबाइल नंबर पुट करता हूं। और इंटर करता हूं तो यहां पर मुझे एरर का मैसेज आने लगा क्योंकि मैंने वैलिडेशन लगाई थी और कंडीशन लगाई थी कि मुझे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर चाहिए। अब यहां पर इफ मैं 10 डिजिट का पुट करूंगा मोबाइल नंबर तो मुझे कोई एरर का मैसेज नहीं आएगा। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक डेटा वैलिडेशन। इसी तरीके से आप किसी भी कॉलम या किसी भी रो में डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करके गलतियों से खुद को बचा सकते हैं। थैंक यू। अब आप मुझसे आज की सेकंड टॉपिक वी लुकअप सीखने वाले हैं। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकली सर्च करना, किसी भी कॉलम, किसी भी रो या किसी भी डेटा को वर्टिकली सर्च करना। सपोज आपके पास किसी स्कूल या किसी ऑफिस का एक बड़ा डेटाबेस है और आप उसमें से किसी भी स्टूडेंट्स या फिर किसी क्लाइंट का डेटा सर्च करना चाहते हैं तो आप इसको वी लुकअप फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। आइए इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले तो आप एक्सेल ओपन कर लीजिए। समझाने के लिए मैंने पहले से ही एक छोटा सा डेटाबेस बनाकर रखा हुआ है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ चार एट्रीब्यूट हैं, नेम, रोल नंबर, कॉलम, फील्ड। आसानी के लिए मैंने सभी एट्रीब्यूट को एक सीरियल नंबर दे रखा है, 1, 2, 3 एंड 4। अब सपोज मुझे शारिम खान नाम के स्टूडेंट का चेक करना है कि इन्होंने फी पेड की है या नहीं, तो मैंने पहले से ही एक कॉलम बना रखा है सर्च करने के लिए। तो मैं यहाँ नेम में जाकर शारिम खान पुट करूंगा। अब मुझे चेक क्या करना है, मुझे चेक करना है कि शारिम खान ने फी पेड किया है या नहीं। तो मैं फी वाले सेक्शन में जाकर यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूला का यूज करूंगा, इज इक्वल टू वी लुकअप, और उसके बाद ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करें। लुकअप वैल्यू वो होता है मतलब जिस स्टूडेंट या क्लाइंट का आप जिसका आप डेटा सर्च करना चाहते हैं वो उस सेल को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा शारिम खान, उसके बाद मुझे कॉमा देना है। टेबल एरे बोले तो पूरा टेबल आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से मैं पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया, कॉमा दिया। कॉल इंडेक्स मैंने इसीलिए हर एट्रीब्यूट को सीरियल नंबर दिया था ताकि मुझे आगे मतलब अभी आपको समझाने में कुछ इशू ना हो। कॉल इंडेक्स बोले तो जहाँ से जो कॉलम शुरू हो रहा है वो उसका सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग वो फर्स्ट होगा और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो लास्ट होगा।
तो कॉल इंडेक्स मुझे फी के लिए चेक करना है, तो फी का जो सीरियल नंबर है वो 4 है। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए दिया था, आप चाहे तो इसको नहीं भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 4 पुट करूँगा, कॉमा दूंगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है ट्रू या फॉल्स। ट्रू बेसिकली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब मेरा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में हो, और फॉल्स वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हमारा डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, मतलब अरेंज नहीं हो सही से। तो फॉल्स के लिए या तो आप 0 टाइप कर सकते हैं, या फिर फॉल्स टाइप करके ही इंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 0 टाइप करूँगा और इंटर कर दूंगा। तो ये यहाँ पे शो कर दिया कि शारिम की फ़ी ऑलरेडी पेड है। चलिए अब किसी और स्टूडेंट का चेक करते हैं कि उसने फ़ी पेड किया या नहीं। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ रवि कुमार। रवि कुमार की भी फी पेड है। इसी तरीके से आप किसी भी कॉलम में, किसी भी रो में VLOOKUP का इस्तेमाल करके डिटेल निकाल सकते हैं किसी भी चीज की। आज का हमारा टॉपिक डेटा वेरिडेशन एंड VLOOKUP यहाँ पे समाप्त हुआ। थैंक यू।